हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को कंबाइन करके उसके ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। लाइक आपको इतना तो पता है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है तो एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। ट्रेंड लाइन भी अगेन हमारे लिए क्या करती है, रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करती है। लेकिन इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो हमें क्या मिल सकता है, हमें उससे प्रॉपर एंट्री पॉइंट भी मिल सकता है। आपको कहाँ पर एंट्री करनी है, प्लस में आपको अगर एग्जिट भी पॉसिबल है कि एग्जिट पे आपको मिल जाए। एग्जिट के लिए क्या होता है, आपका इतना हेल्पफुल नहीं होगा एग्जिट के लिए, क्योंकि आपका ट्रेंड डिपेंड करता है। लाइक अगर आपका ट्रेंड चले जा रहा है, एक एग्जांपल के लिए अगर आपका निफ्टी का ट्रेंड ये चले जा रहा है तो कहना मुश्किल होता है कि ये ट्रेंड कहाँ खत्म होगा। लेकिन आपका एक छोटा सा जो पुल बैक होता है उसकी चांसेस ज्यादा है, हम बता पाएंगे कि कहाँ पर वो पुल बैक खत्म हो सकता है। लाइक गोल्डन रेशियो पे खत्म हो रहा है, या फिर हमारा पार्ट वो एक अच्छी पिछली जो हमारी मल्टी टेस्टेड लेवल पे वापस पुल बैक हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो वो चीज हमें बताना आसान है रैदर देन हम कि कहाँ पे बता पाएंगे कि हमारे ट्रेंड कहाँ खत्म होगा। तो इसी तरह से जब कोई चीज डाउन ट्रेंड में है तो उसमें ये बताना पाना कि कहाँ पे वो अब बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा ट्रेंड खत्म हो जाएगा, वो थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वीकली चार्ट पे हमें कुछ दिखेगा, कुछ रिवर्सल्स दिखेंगे, कुछ सिग्नल दिखेंगे, वो आगे मतलब देखने की बात है। लेकिन एक छोटे पुल बैक में आप ये ट्रेंड देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये मूव आई है, ये कहाँ पर खत्म होगी, इधर इधर इधर, अभी कहना मुश्किल है। आप फिबोनाची एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, वो एक अप्रोक्सीमेट आपको एक मतलब आपको एक लेवल दे देगा, लेकिन वहां पर रुकेगा नहीं रुकेगा एग्जैक्ट वो उसकी कोई मतलब जरूरी नहीं है। सेम हमारे पास क्या होता है, जब ट्रेंड हमारा अपसाइड है तो हमारे पास चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो वहां से रिवर्स कर जाएगा। तो हम दोनों को कंबाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, किसी भी एक हम स्टॉक को उठा लेते हैं, कोई भी, आप किसी भी स्टॉक पे जाओ। मैं इसको डेली पे कर देता हूँ, ठीक है, आवरली पे नहीं, डेली पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक सपोर्ट चेक करता हूँ। तो मैंने क्या बताया, हम अपना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। सेकंड, मैं बताऊंगा उसको कैसे मैं चेंज करता हूँ अपनी ट्रेंड लाइन को, जिससे वो मुझे बेनिफिट देती है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो गया मेरे पास, ठीक है। अब मुझे इसमें एंट्री कहाँ करनी चाहिए, यहाँ कर लेनी चाहिए एंट्री, इस पॉइंट पे करनी चाहिए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे हमें एंट्री करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज, तो हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, कि एक तो मोमेंटम पिक कर ले, उसके बाद मैं उसमें एंट्री करूँ, क्योंकि वो मेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड होगी। तो मुझे जब मोमेंटम मिल रहा होगा इस स्टॉक में तो मैं एंट्री करूंगा, और मुझे वो 10, 5, 20, जो भी जिस परसेंट पे मैं निकलना चाहता हूँ, जो मेरा आरआर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग मैं निकल जाऊंगा। सेकंड एक होता है कि मुझे पता है कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ट्रेंड है, मैं कहीं भी एक पॉइंट पे एंटर करता हूँ, जब चलेगा तो और एंटर करूंगा। इसी तरह से मैं इसको राइड करता हूँ एज अ, मैं पोजिशनल स्विंग ट्रेड बोल दो, स्विंग और पोजिशनल के बीच में आप बोल सकते हो पोजिशनल ट्रेड, तो उस तरह से मैं राइड करना चाहता हूँ। तो फिर उस लेवल पे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि वहां पर आप क्या है अपना लॉस कम करना चाहोगे, क्योंकि आप उसको होल्ड कर रहे हो तो टाइम वैल्यू भी आपके पास जारी है। तो इसके पास मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे एंटर कर लूंगा, थोड़ा यहाँ एंटर कर लूंगा, फिर जब मैंने देख लिया कि मेरा 50% बाय हो चुका है तो मैं मूव का वेट करूंगा, उसके बाद एंट्री करूंगा। तो वो मूव कैसे पता चले, सपोज आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हो, फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया, यहाँ पर क्या गलती करते हैं मोस्टली लोग, ये टच नहीं हुआ तो इसको क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा मैग्नेट ऑफ कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट पॉइंट लिया और सेकंड पॉइंट मतलब ये दिखाने के लिए बस इसको थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा अगर मैं इसको दिखाऊं कि सेकंड पॉइंट पे एक्चुअली में टच है या नहीं है, या थोड़ा सा ऊपर निकल रहा है नीचे। तो यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तो बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो करंटली रिसेंटली जो भी मूवमेंट है, प्राइस एक्शन, जो भी रिसेंट प्राइस एक्शन है, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर लेना है, समझ लेना है कि वो है ही नहीं मेरी स्क्रीन पे, मैं इसको छुपा देता हूँ। आपको क्या देखना है, फर्स्ट पॉइंट मैंने पिक कर लिया, मैग्नेट ऑन कर लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट मैंने पिक कर लिया, सेकेंड पॉइंट मैंने पिक कर लिया, और इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट जो मैं सेकेंड पॉइंट पिक करूंगा, हो सकता है मेरे पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं करता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता, फिर एक और ये होता, फिर एक और ये होता, तो मैं देखता कि मल्टी पॉइंट्स कहाँ पे टच हो रहे हैं, यानी देखो ये भी ऑलमोस्ट टच ही हो रहा है, ये ऐसा तो है नहीं कि हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसी तरह से फोर्थ, इसी तरह से फिफ्थ। काफी लोग बोलते हैं मल्टी टच पॉइंट है तो मैं तो उसको लूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा कि किस तरह से आपको उसको मैनिपुलेट करना है अपने माइंड को, कि किस तरह से आपको ये करंटली प्राइस एक्शन के पास नहीं, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप थोड़ा सा उसको चेक करेंगे कि मेरे लिए प्रॉपर मेरी ट्रेंड लाइन क्या बन रही है। और ट्रेंड लाइन प्रॉपर का मतलब क्या है, आपका एक्चुअल में ट्रेंड क्या है। देखो अब यहाँ पर ये ट्रेंड है, ये अब ये जो आएगा,
ठीक है, तो इस तरह से एक प्रॉपर ट्रेंड बन रहे, तो ट्रेंड के साथ साथ आपकी ट्रेंड लाइन बन जाती है। आप ये नहीं कोई एक पॉइंट यहाँ से उठाया, एक पॉइंट यहाँ से और ये बना दी ट्रेंड लाइन, नहीं। तो नेक्स्ट चलते हैं, जब ये इसको ब्रेकआउट करेगा तो अब आप आपको एंट्री पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो एंट्री पॉइंट आप कैसे निकाल सकते हो? सबसे पहले तो ये ब्रेकआउट दे रहा है तो आपकी रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट हो रहा है, प्लस में आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन को आप यूज कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर यहाँ से कहीं से भी एक ड्रॉ करूँ तो ये मेरा एक स्विंग हाई है लास्ट, तो अगर मैं देखता हूँ कि अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट तो कर देता है और इसके पास सस्टेन करता है, या इसको ब्रेकआउट देकर इसके बीच में सेंटर में सस्टेन करता है, तो मैं समझ सकता हूँ जो लास्ट मेरा स्विंग हॉरिजॉन्टल मेरी रेसिस्टेंस भी तोड़ रहा है और मेरी वर्टिकल यानी ट्रेंड लाइन जो मेरी बन रही है, वर्टिकली डायगोनल जो मेरी ट्रेंड लाइन बन रही है उसको भी ब्रेक कर रहा है। तो ये पॉइंट मुझे एक काफ़ी अच्छा मुझे लगता है बाय पॉइंट पे, तो ये मेरा एंट्री पॉइंट बन जाता है। तो मैं और आपको एक छोटी सी ट्रेड और दिखा देता हूँ, M&M, मतलब M&M में आपको दिखाता हूँ कैसे मैं चेंज करता हूँ ट्रेंड लाइन को, कैसे हम चेंज कर सकते हैं। अगेन मैं भूल जाऊंगा कि ये कोई पार्ट है मेरे पास, मैं भूल जाऊंगा कि ये कोई रिसेंट मेरे पास कोई पार्ट है, मैंने बिल्कुल मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट पिक करता हूँ, सेकेंड पॉइंट पिक करता हूँ, बस अब मुझे पता चलेगा कि हाँ ये तो इसको फॉलो ही नहीं कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को, अब पता चलेगा। आपने पहले ही देख लिया, आप उसको पहले ही एडजस्ट करने लगे हो, नहीं यार थोड़ा सा इधर कर देता हूँ तो ये टच हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ ले जाता हूँ तो ये टच हो जाएगा, थोड़ा सा इस पे ले जाऊंगा तो इस पे टच हो जाएगा, नहीं नहीं बेकार बन रहा है, काम करता हूँ ऐसे कर देता हूँ, तो फिर आप खुश हो जाओगे, अरे देखो ये पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, वाह। ऐसा नहीं करना, आपको इनिशियल जो रिसेंटली मूवमेंट है वो स्किप करनी है आपको, ऐसा ट्रेंड लाइन, ये क्या होता है, मैनिपुलेशन होती है माइंड की, कि रिसेंट पॉइंट को टच करने के लिए आप बीच में कुछ भी कर सकते हो, वो चीज़ ना करें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फर्स्ट पॉइंट लूंगा, सेकेंड पॉइंट लूंगा, अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको ये नेग्लेक्ट कर रहा है इसको, मतलब इस तरह से थर्ड पॉइंट पे ही जब ये इसने इसको रेस्पेक्ट नहीं की तो ये एक्चुअली एक ट्रेंड लाइन तो अब नहीं रही, नल एंड वॉइड है मेरे लिए। ये अपना अपना तरीका होता है, आप मैं पहले डिस्क्लेमर, आप देख सकते हो कि आपको अगर ठीक लगता है तो यूज करें, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जैसे मैंने चेंज किया ऐसे आप कुछ चेंज करके हो सकता है वो आपके लिए बेस्ट हो। तो अब मैं क्या करता हूँ इस पॉइंट पे, जब ये खराब हो जाती है, गलत हो जाती है, मैस कर रही है, कोई इसकी अब वैल्यू नहीं रही मेरे लिए, तो मैं क्या करता हूँ, जो फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट लिया मैं सेकेंड पॉइंट को फर्स्ट कर देता हूँ, अब उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। तो ये नहीं उठाऊंगा मैं, क्योंकि ये कोई ट्रेंड, मतलब ये कोई, अब देखो उठाने को ये पॉइंट उठा लूंगा, कोई ये उठाएगा, कोई ये उठाएगा, मेरे लिए क्या था, ये एक पूरा ट्रेंड था, फिर ये डाउन आया, तो मेरे लिए सेकंड पॉइंट जो था वो ये था, जो कि अब फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। अब सेकंड पॉइंट अगेन ये, अब मैं ये नहीं यहाँ ले लेता हूँ यार, इसके ऊपर थोड़ा टच हो जाएगा, इसको यहाँ पे रख देता हूँ तो देखो बड़ा अच्छा है, मैं दिखने में बड़ा अच्छा लगेगा, दिखाना नहीं है किसी को आपको, तो सिर्फ सिर्फ आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट पिक कर लेना है, खत्म। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है थर्ड पॉइंट, नीचे कोई मैटर नहीं करता इतना, ये कोई मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये आपको ट्रेंड लाइन आपकी नल नहीं, नल एंड वॉइड नहीं हो रही, आपकी ट्रेंड लाइन वैलिड है, ठीक है, इनवैलिड नहीं करता ये इससे ऐसे। तो इसके बाद जब मैं सेकंड ट्रेंड पे जाता हूँ तब मैं यहाँ देखता हूँ अब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कि इसको ब्रेक करेगा तो बेस्ट है, प्लस में मैं ये लेवल भी मैं चेक कर लेता हूँ, क्या ये लेवल मेरा एक मतलब अच्छा, अगर देखो कई बार तो मल्टी टेस्टेड मिल जाता है, मल्टी टेस्टेड नहीं मिलता तो एटलीस्ट लास्ट का जो स्विंग है वो आपका ब्रेक हो रहा हो। तो मैंने अभी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो आप देख सकते हो जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेक किया उसके बाद मुझे समझ आया कि इसने इतना अच्छा मोमेंटम है कि इसको एक बार में ब्रेक कर दिया और इसको भी एक बार में ब्रेक करके वहाँ सस्टेन वहाँ पे क्लोजिंग भी दी है, तो ये आपकी एंट्री बनती है। सेकंड उसके दिन के बाद नीचे जा रहा है, अब नहीं जा रहा, उसके बाद रेड कैंडल बन रही है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो उसके बाद आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लेंगे, चाहे इस कैंडल के नीचे या फिर आपका यहाँ पे कोई ऐसी कंसोलिडेशन बनी है, वो डिफरेंट डिफरेंट हर चार्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आपको निकालना पड़ेगा, हर चीज़ एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकती। तो ये एक तरीका था कि आपके पास एंट्री पॉइंट भी निकाल सकते हो आप ट्रेंड लाइन से, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं, कि रेजिस्टेंस पे मुझे निकलना होता है। आप कई बार हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं BPCL में, जैसे अभी सपोज ये बन रही है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, अभी थर्ड पॉइंट मिला नहीं है, मुझे नहीं पता ये इसकी रेस्पेक्ट करेगा नहीं करेगा, ब्रेक करेगा नहीं करेगा, मैंने ड्रॉ करके सिर्फ रखा है। अभी ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन जो बोलते हैं वो आइडियल ट्रेंड लाइन नहीं बनी है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट में मानूंगा, ये ऐसा नहीं कि दो बार टच हो रहा है तो मैं तीन दो मान लूँ, ये मेरा तरीका है क्या, क्यों फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा टच हो गया कोई नहीं, थर्ड, ठीक है। एक्चुअली में जो हमारा ट्रेंड बन रहा है वो तो ये बन रहा है ना, ये कोई ट्रेंड थोड़ी ना बन रहा है, ये ट्रेंड थोड़ी है, फर्स्ट ट्रेंड सेकंड, ये थोड़ी ना ट्रेंड बन रहा है, ये पूरा बन रहा है फर्स्ट
सेकंड और ये थर्ड जो पॉइंट टच होगा। अब ये टच होता है उसके बाद रुकता है नहीं रुकता, मैंने ऑलरेडी एक पॉसिबिलिटी अपने लिए रख लिया है। अगर यहाँ पर रुकता है, यहाँ से गिरने लगता है तो मैं एग्जिट कर सकता हूँ, यहाँ से मेरे पास अगर ब्रेकआउट करता है तो मुझे पॉइंट मिल सकता है। लेकिन मैं वहाँ पर क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि ट्रेंड लाइन प्लस में मुझे एक स्विंग भी मिले, यानी एक हॉरिजॉन्टल भी मिले। जैसे हम देख सकते हैं कि ई आई ने बड़ा अच्छा ब्रेकआउट दिया था, इसी तरह से ये ब्रेकआउट था। अब आप देखोगे ये एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के साथ हम क्या कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल पैटर्न बना, फिर एक रेंज बनी, फिर एक आपकी मदर कैंडल बनी, जो हमने अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी कि मदर कैंडल किस तरह से काम करती है, एक मदर कैंडल उसके अंदर बने और ब्रेकआउट, और फिर वो चल पड़ा, उसके बाद आपकी मतलब आगे मूव आती रही। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपके पास हॉरिजॉन्टल भी चीज बन रही है और आपके पास एक ट्रेंड लाइन भी, दोनों को अगर कंबाइनली ब्रेकआउट होता है तो आपके लिए वो बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, कितने भी आप यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके ट्रेंड लाइन सही है या नहीं है वैलिड। आपने कोई भी एक पॉइंट उठाया, ये पॉइंट उठाया, मोस्टली मैंने बहुत बहुत देखा है, मैंने कहा ये सबसे हाई पॉइंट है, ठीक है, और आपने अभी रिसेंटली कोई भी चीज़ चल रही है यहाँ पे पिक किया, हाँ भाई ठीक है ये मेरी ट्रेंड लाइन रो गई। क्यों ट्रेंड लाइन रो गई, ये मेरा टॉप, ये मेरा अभी देखो ये रिसेंट का टॉप, तो कोई भी पॉइंट उठा के और कहते हैं यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, ये एक ट्रेंड है क्या, ये ऐसा ये मतलब ट्रेंड बन रहा है क्या, ये कोई ये मतलब ये एक ट्रेंड है ऐसा, और फिर ये ऐसा, ये ट्रेंड है क्या, ट्रेंड लाइन का मतलब कुछ तो समझो, कुछ तो एक पैटर्न बन रहा है कि वो इस तरह से फॉलो कर रहा है, या फिर इस तरह से कुछ ना कुछ पैटर्न तो बने उसमें, कुछ हायर हाई बन रहे हैं, लोअर लो बन रहे हैं। अब मैं उठाना चाहता था तो इसको पॉइंट को उठाता फर्स्ट, अब उसके बाद मुझे एक और पॉइंट मिल गया है तो मुझे वो स्विच करना है ना, कि यहाँ से अब ये ट्रेंड था, अब ये ट्रेंड बन सकता है, बनेगा नहीं बनेगा वो आगे पता चलेगा। तो गाइज यहाँ पर ये वीडियो को मैं बताने का यही मतलब बनाने का यही मोटिव था कि आपको ट्रेंड लाइन प्लस में आपको स्विंग हाई को देखकर अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, और ट्रेंड लाइन को आप सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह ना यूज़ करें, वो एंट्री पॉइंट के लिए भी आपके लिए बेस्ट आपका तरीके से आपको एंट्री दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के ले रहा हूँ अभी, ठीक है, मतलब इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। देखो अब ये कुछ बन रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये ड्रॉ कर देता हूँ एक लाइन, ठीक है, तो मुझे दिखता है कि हाँ ये ट्रेंड लाइन है, प्लस अब मैं क्या देखूंगा, कोई एक हॉरिजॉन्टल चीज देख लूंगा यहाँ पर, अच्छा इधर हिंद को ऊपर ही है, ठीक है, इस पर तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ है कि यहाँ पर बना, फिर यहाँ बना, ये बना, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, इसको ब्रेकआउट, दोनों को ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो आपके लिए एंट्री पॉइंट बन जाता है, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होगा, आपको मोमेंटम पॉसिबिलिटी है कि 10 में से 6 बार में से आपको मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है, 4 बार फेल भी हो सकता है, लेकिन आपने यहाँ एंट्री कर ली सपोर्ट पे या यहाँ एंट्री कर ली तो आप बैठे हो हो सकता है यहाँ तक आप निकल जाओगे और उसके बाद आपकी मूव आएगी। तो ये एंट्री पॉइंट इसलिए आपके मोमेंटम के लिए, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए वो बेस्ट है कि ट्रेंड लाइन प्लस में हॉरिजॉन्टल लाइन आप यूज कीजिए तो आपको मोमेंटम मिल सकता है 10 में से 6 एटलीस्ट। और आपको वो मोमेंटम मिल गया तो जैसे अभी आपको मैंने दिखाया M&M, इस तरह का मोमेंटम मिल गया तो आपको 4 ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, 1 ट्रेड में आपको सारा पैसा मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हो। मैं कितने स्टॉक्स में दिखा सकता हूँ ये चीज़, आप मतलब करते रहेंगे चलता रहेगा वो, तो हर हर किसी में कोई ना कोई ट्रेंड बन ही रहा होता है, ठीक है, तो कोई भी स्टॉक हो, ये ट्रेंड लाइन हो गई, ब्रेकआउट एक साथ दिया, चल पड़ा, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल आप क्या ढूंढोगे, अभी इसमें आपको हॉरिजॉन्टल नहीं मिला तो वही वाली बात है, आप बोलोगे कि इसमें जब तक हॉरिजॉन्टल नहीं आया तो मैं एंट्री नहीं करूँगा, तो आपको यही वही वाली बात मैंने जैसे आपको बताया कि 10 में से 6 बार आपको मोमेंटम मिल जाएगा। हो सकता है ये वाली ट्रेड आपके जो अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लस आप अगर ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हो सकता है ये ट्रेड मिस हो जाए, लेकिन आपके पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो आपके मोमेंटम मिलने की है वो आपके पास रहेगी। ज़रूरी है आपके पास कि हो सकता है आपके पास बहुत सारी अच्छी ट्रेड्स मिस हो जाएँ इससे, ज़रूरी है आपके पास के मतलब आपको उसमें लॉस हो जाए यानी अब वो वापस नीचे गिर जाए, लेकिन आपके पास एक सिस्टम होना ज़रूरी है। सिस्टम ये है कि आप इस तरह से अगर हमेशा रखोगे कि एक पॉइंट बना लिया कि हाँ इस तरह से मैं एंट्री करूँगा और इस तरह से मैं एग्जिट करूँगा, तो वो आपका एक सिस्टम की तरह काम करता है जिसको आप उसकी पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हो, उसको बैक टेस्ट कर सकते हो, अगर वो आपके लिए काम करता है आप उसको यूज़ कर सकते हो। प्राइस एक्शन मेरे लिए काम करता है, मैंने उसको यूज़ किया, बहुत लोग मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं वो मेरे लिए काम नहीं कर रही थी, मैंने उसको यूज़ नहीं किया। RSI पे भी ट्रेड करते हैं, मुझे सिर्फ बुलिश डाइवर्जेंस मेरे लिए काम करती है, मैं उस पर ट्रेड करता हूँ। आपको अगर कोई सिस्टम बनाना है तो मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा आपको कि एक्चुअली में कि सिस्टम है क्या और सिस्टम बना कैसे सकते हैं आप अपना भी, कोई भी किसी भी तरह का एक सिस्टम बना सकता है, कोई सिस्टम बनाना कोई
बड़ी बात नहीं है, एक सिस्टम है, लेकिन वो बैक टेस्ट है। आपने कोई भी सिस्टम बना लिया, यही एक सिस्टम बना लिया कि ट्रेंड लाइन प्लस में हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट होगा, मैं सिर्फ तभी एंटर करूंगा। लेकिन फिर आपको उसको चेक भी करना है कि मैंने 100 ट्रेड लिया उसमें से वो पॉसिबल कितनी मुझे सक्सेस रेट दे रही है। हो सकता है वो फर्स्ट टाइम में 40 दे रही है, तो आपको चेक करना है कि हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन वाला तो बड़ा अच्छा है, सब कोई वो ट्रेड कर रहा है और वो तो सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन मैं क्यों नहीं हो रहा। तो उसमें आपको देखना है कि आपने एंट्री तो गलत नहीं कर रहे, क्या आप स्टॉक सिलेक्शन तो आपका गलत नहीं है, आप डाउन ट्रेंड में तो नहीं आप एंट्री कर रहे, आप डाउन ट्रेंड के पुलबैक में तो एंट्री नहीं कर रहे, आपने देख लिया ना कि स्टॉक में मोमेंटम है कि या नहीं है, कि आप स्टॉक रेंज स्टॉक के अंदर ही तो नहीं घुस रहे। तो काफी चीजें हैं, तो थोड़ा थोड़ा उनको चेंज करेंगे तो वो 50% आएगा, 50 से 60 जाएगा। इसी तरह से आपकी एक ही सिस्टम आपका 60% तक पहुंच जाएगा, जो कि आप पहले 40% था। तो हर सिस्टम से सिस्टम पे जंप नहीं करना, उस सिस्टम को इम्प्रूव करना है आपको। सो गाइज, यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।